आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। ये राष्ट्र के लिए जो जो जो, जो विकास है उनमें एक अवरोध आने वाला है, और मुझे लगता है कि जो लोग बढ़ रहे हैं उनके सबके जीवन में हिंसा का जीवन होता है। पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि ईएसीपीएम की रिपोर्ट के बाद अब पूरे देश में नई बहस छिड़ गई है। ईएसीपीएम की रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के मुताबिक 1950 से लेकर 2015 के बीच बहुसंख्यक यानी कि हिंदू आबादी में 7.8% की गिरावट आई है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुसंख्यक आबादी में इजाफा हुआ है। हिंदू आबादी में आई गिरावट को लेकर हरिद्वार के संतों ने चिंता जताई है। हरिद्वार के संतों ने इन आंकड़ों के आधार पर देश भर में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की मांग की है। हरिद्वार के अखंड परमधाम आश्रम में स्वामी परमानंद गिरी ने 67वें संन्यास दिवस पर संत सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में कई बड़े साधु संतों ने शिरकत की। इस दौरान देश में बहुसंख्यकों की घटती और अल्पसंख्यकों की बढ़ती जनसंख्या पर भी चर्चा की गई। साधु संतों ने इन आंकड़ों पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है। यहाँ रोड में समस्या है, कॉलेज में समस्या है, अस्पताल में समस्या है और जनसंख्या, इसलिए जनसंख्या किसी की भी बढ़ना अच्छी नहीं है। हाँ, हो सकता है समान नागरिक संहिता, सबको समान शादी का, समान शिक्षा का, और जो देश हित में है वही शिक्षा हो, मजहबी शिक्षाएं लड़ने झगड़ने की ना दी जाए, यही है। और समान नागरिक संहिता लाने का सोल्यूशन भाजपा है। और सम्मेलन में संतों ने बहुसंख्यकों की घटती आबादी को पूर्ण नियोजित साजिश करार दिया है। साथ ही संतों ने एक साथ कई चेतावनी भी दी। सुनिए आबादी को लेकर संतों की तरफ से क्या क्या कहा गया। ये राष्ट्र के लिए जो जो जो, जो विकास है उनमें एक अवरोध आने वाला है, और मुझे लगता है कि जो लोग बढ़ रहे हैं उनके सबके जीवन में हिंसा का जीवन होता है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, और हिंसा के प्रवृत्ति के लोग अगर देश में आएंगे तो समाज में हिंसा ही फैलेगी। सम्मेलन में महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने बहुसंख्यकों की घटती आबादी पर चिंता जताते हुए आने वाले भविष्य को लेकर आगाह किया। संतों ने घटती आबादी को देखते हुए आने वाले 50 सालों में धर्म, राष्ट्र और सामाजिक हालत को लेकर चिंता जाहिर की। तो आने वाले 50 साल में सीमाओं में सैनिक नहीं होंगे, भारत के दुश्मन आराम से सीमाओं में घुसकर तुम्हारे देश पर प्रहार करेंगे और तुम्हें गुलाम बना लेंगे। केवल इतना ही, आज की सरकार का ही विषय नहीं है। आप 50 साल और पीछे जाओ, 50 साल जो आगे आने वाला समय है 50 साल, उन 50 सालों में ये सारे सैनिक रिटायर होंगे, तो उसके बाद किसका बच्चा होगा जो सैनिक बनेगा? ये सारे साधु मर जाएंगे तो किसका बच्चा होगा जो साधु बनेगा? कौन हमें धर्म से जोड़ेगा? कौन हमें सीमाओं की रक्षा में लगाएगा? इसलिए जरूरी है, कम से कम तो दो होने चाहिए। ईएसीपीएम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में घटती बहुसंख्यकों की आबादी का असर भारत पर भी पड़ा है। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में बहुसंख्यक धार्मिक समूह की हिस्सेदारी में 7.8% की कमी देखी गई है। भारत में बहुसंख्यक आबादी का हिस्सा 1950 और 2015 के बीच 84.68% से घटकर 78.6% हो चुका है। 1950 में भारत में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.9% हो गई। मुस्लिमों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ईसाई आबादी का हिस्सा 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गया है। ईएसीपीएम की रिपोर्ट में इन आंकड़ों में भी 1950 और 2015 के बीच 5.38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं सिख आबादी का हिस्सा 1950 में 1.24% से बढ़कर 2015 में 1.85% हुआ। सिखों की हिस्सेदारी में 6.58% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट्स में बौद्ध आबादी को लेकर भी आंकड़े दिए गए हैं, जिसके मुताबिक बौद्ध आबादी 1950 में 0.5% थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 0.81% हो चुकी है। भारत की जनसंख्या में जैन आबादी की हिस्सेदारी 1950 में 0.45% से घटकर 2015 में 0.36% हो गई, जबकि पारसी आबादी की हिस्सेदारी में 85% की भारी गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की सीमा से सटे देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में कमी आई है, जबकि भारत में ये आंकड़ा बढ़ा है।
संत समाज ने इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए चिंता जाहिर की है, साथ ही सरकार से देश भर में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता की मांग की है, जिसके जरिए भारत के भीतर सामाजिक समता लाई जा सके। हालांकि यूसीसी कानून की बात करें तो अभी ये सिर्फ उत्तराखंड में लागू है, लेकिन आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों में भी इसका सफल प्रयोग देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।